टू स्टार्ट स्पीकिंग इन जापानीज लैंग्वेज। जी हाँ, जापानीज लैंग्वेज में बोलना कैसे शुरू करें। देखिए, जब भी बेसिक के स्टूडेंट्स जापानीज लैंग्वेज को पढ़ना शुरू करते हैं तो वो बहुत मेहनत करते हैं। हिरागाना, काताकाना, कांजी, JLPT N5 N4, इसके हिसाब से वो पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन वो एडवांस लेवल तक भी जाते जाते हमेशा एक क्वेश्चन उनका बना रहता है कि हाउ टू स्पीक इन जापानीज। जापानीज में हम काइवा कैसे करें, जापानीज में हम बात कैसे करें, जापानीज में हम बोले कैसे। तो आज का जो वीडियो है ये आपको इसी चीज़ के बारे में सिखाने के लिए वीडियो मैंने बनाया है। इसमें जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, जो जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, उनको फॉलो करके अपना एक स्टैंडर्ड फिक्स करिए। देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना एक स्केल, अपना एक स्टैंडर्ड फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी पढ़ाई करें, चाहे आप इवन JLPT N5 की बेसिक की पढ़ाई करें, चाहे आप JLPT N1 की पढ़ाई करें, मैंने हमेशा से ये बताने की कोशिश करी है कि अगर आपने अपने पढ़ाई को एक स्टैंडर्ड में फिक्स किया हुआ है, जैसे कि आज ये दिन है, ये डेट है, अगले 3 महीने में या अगले 6 महीने में मुझे किस लेवल तक पहुंचना है, और उसको चेक करने के लिए मेरे पास कौन कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए कि मैं देख पाऊँ कि क्या मैंने 100% अचीवमेंट करी है, या मैंने 80% अचीवमेंट करी है, मैंने 50% अचीवमेंट करी है। तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड, इसको कहते हैं स्केल। ये स्केल कुछ भी हो सकता है, जैसे एक 100 पेज की बुक मुझे 3 महीने में ख़त्म करनी है तो मुझे हर दिन 3 पेज ख़त्म करने होंगे, और या जितने भी पेजेस हैं, और उसको ख़त्म करने का क्या मतलब है, मतलब मुझे 3 बार रीड करना है, उसको बोल बोल के रीड करना है, या उसकी सारी कोतबा मुझे याद होनी चाहिए, कोई मेरा टेस्ट ले। तो ये सब स्केल, ये सब स्टैंडर्ड्स के साथ ही आप कोई भी काम करेंगे, चाहे वो काइवा हो, चाहे वो JLPT हो, वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। तो आज का ये जो वीडियो है ये काइवा के ऊपर है, जापानीज लैंग्वेज को बोलें कैसे। चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये एक्टिविटी लगभग 6 महीने तक आपको फॉलो करनी पड़ेगी, या शुरू के 3 महीने की अगर बात करें तो शुरू के 3 महीने में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि अब अगले 3 महीने बचे हुए 6 महीने में से मैं पूरा पूरा जापानीज को बोलना शुरू कर दूंगा, जो भी मेरा लेवल है, चाहे वो N4 लेवल है, लेकिन N4 लेवल की जितनी भी कोतबाएं, जितनी भी सेंटेंसेस हैं, जितनी भी ग्रामर पैटर्न्स हैं, उनको सब मैं बोल सकता हूं। तो प्लीज़ फॉलो दिस वीडियो टिल द एंड। वेलकम टू Nihongomax, मेरा नाम है रवि। चलिए शुरू करते हैं। जापानीज लैंग्वेज सीखने के लिए, जापानीज लैंग्वेज को बोलने के लिए इन 3 पॉइंट्स पर बहुत बहुत फोकस करिए, अपने स्टेप्स बनाइए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टे फोकस्ड ऑन सेंटेंसेस। अब स्टे फोकस्ड ऑन सेंटेंसेस का क्या मतलब है कि आपको सेंटेंसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, चाहे वो बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस से आपने शुरू किया है, लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखिए, जैसे कि आपने पढ़ा स्टे फोकस्ड ऑन सेंटेंसेस, तो करेक्ट सेंटेंसेस के स्पेलिंग ये हैं। तो इसी तरह से ये मैं बताना चाहता हूँ कि करेक्ट सेंटेंस ही होना चाहिए हमारे पास। जैसे एक एग्जांपल है, किनो नो पाती वा ओमोशिरोई देश्ता। कल की पार्टी बहुत इंटरेस्टिंग थी। अगर आपको ओमोशिरोई आता है, किनो आता है, पाती आता है, तो आप बड़े आराम से ट्रांसलेट कर लेंगे। लेकिन कभी कभी काइवा करते हुए, रनिंग लैंग्वेज में तेज़ी से बोलते हुए हम गलत कर देते हैं। इसका सही फॉर्म है, इसकी सही जो ग्रामर है वो है किनो नो पाती वा ओमोशिरो काता। जिसने ये सीखा हुआ है उनको पता होगा ओमोशिरोई का पास्ट फॉर्म ओमोशिरो काता होता है। चलिए अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। देखिए, पॉइंट नंबर 2 बड़ा आसान है, टॉक, कॉपी, इम्प्रोवाइज। इसका मतलब है आप जो भी सीखें उसको कॉपी करिए, चाहे वो अगर आप जापानीज के साथ बात कर रहे हैं या अपने किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं जो कि जापानीज जानता है, तो उसको करेक्ट सेंटेंसेस को कॉपी करके इम्प्रोवाइज करना है, आगे की ग्रामर में हमें जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, कारिनी आश्ता इके नकातारा, अगर जापानीज ने ऐसा बोला है तो आप फोकस करिए कि कारिनी, ये मुझे भी यूज करना है, कारिनी का मतलब है मान लीजिए या फिर टेम्परेरली, कल मैं अगर नहीं आया तो। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम कैसे सेंटेंस यूज़ करते हैं, आशिता इकेनाई कामोशिरेनाई, जो हमने बेसिक में सीखा है, एडवांस के बच्चे भी ये यूज़ करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करें, थोड़ा सा अगर कॉपी करने की कोशिश करें तो बहुत बहुत इफेक्टिव होता है काइवा में। अब आता है पॉइंट नंबर 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है, जैसे मैंने बताया, स्केल। जी हाँ, स्केल सेट करिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको एक स्केल देने की। ये 2 पार्ट्स में सेक्शन डिवाइडेड है। पहला पार्ट है, आपको स्केल सेट करना है लगभग 600 सेंटेंसेस डिवाइडेड बाय 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने में आपको 600 सेंटेंसेस आपको बोलने हैं। लेकिन अगेन वही वाली बात, ये सेंटेंसेस करेक्ट होने चाहिए। यस, करेक्ट सेंटेंसेस जो हैं वो आप, जैसे हमारी वेबसाइट है Nihongomax.com, उस पर जाके देख सकते हो, उसमें काइवा का सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन है जिनके बारे में भी मैं बताऊँगा अभी। तो आपको लगभग 200 सेंटेंसेस पर मंथ, इस तरह से आप सोच सकते हैं, आपको करेक्ट सेंटेंसेस हों आपके पास, उनका सेट हो, और उसके बाद आप उसको बोलें, बार बार बोलें, इमेजिन करके बोलें कि मुझे
मैं ये बात मैं किसी से बोल रहा हूँ, चाहे वो बहुत ही बेसिक जैपनीज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी जैसे मैंने बताया Nihongomax.com पर आप जाएंगे तो आपको इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे, और इसके बाद जो काइवा का सेक्शन है उसमें भी आप जा सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने एक सैम्पल के तौर पर काइवा के कुछ इंस्टांसेस, जो कि एक लव स्टोरी है, काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा पढ़ने में, और उसके बाद आप काइवा की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जहाँ से भी, चाहे आपके कोर्स में से आप ले सकते हैं या फिर अपनी बुक्स में से ले सकते हैं, लेकिन काइवा जो है वो बोल के आती है, आपको उन सेंटेंसेस को बोलना है अपना एक स्केल सेट करके डेली, कम से कम आधा घंटा या एक घंटा आपको ये काम करना है। तो एक बार फिर से बताता हूँ, 600 सेंटेंसेस को आपको 3 महीने में बोलना है, यानी कि 200 करेक्ट सेंटेंसेस पर मंथ 3 महीने के लगभग। चलिए बात करते हैं पार्ट टू की, अप्लाई। इसको आपको अप्लाई करना है जैपनीज नेटिव के साथ, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर जैपनीज नेटिव नहीं है आपके पास तो उन फ्रेंड्स के साथ जो कि आपके साथ जैपनीज लैंग्वेज सीख रहे हैं, इसको अप्लाई करिए। 2 या 3 महीने तक आपको ये एक्टिविटी बहुत बहुत फ़ायदा देगी। बहुत सिंपल सा काम है, लेकिन बात होती है गाइड की, स्केल सेट करने की और मोटिवेशन की। तो स्टे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में जो भी मैंने आपको स्टैंडर्ड्स बताए हैं, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, उनको फॉलो करते करते अगर आप अपनी बुक्स से ही अपने जितना भी मटेरियल है, बहुत ज़्यादा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, बहुत कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो सिखाते हैं कि आइए हम आपको काइवा कोर्स करवाएंगे, 3 महीने का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू करी तो आप अपने आप ही खुद ही इन सब चीज़ों को फॉलो करके काइवा को सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।